बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेल फीमेल के बारे में कि मेल फीमेल किस तरह लगाना चाहिए और कौन सी कंपनी का लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पहले से ही मेल फीमेल लगा कर रखा हुआ है। कुछ मेल फीमेल आते हैं मार्केट में बग़ैर कनेक्टर के, जैसे ये कनेक्टर लगा हुआ है तार को पकड़ने के लिए ताकि तार बाहर ना निकले, और इस तरह का आपने कनेक्टर लेना। ये देखें, मैं इसको कितनी भी फोर्स इसको पुश कर रहा हूँ तो ये बाहर नहीं आएगी तार किसी भी सूरत में। मार्केट के अंदर लो क्वालिटी के मेल फीमेल अवेलेबल हैं, आप उनसे ग्रेस कीजिएगा, वो ना बाई कीजिएगा। ये देखें, मैं इसके ऊपर कितना ज़ोर लगाऊँगा, ये बाहर बिल्कुल भी तार नहीं आएगी। तो ये अच्छे वाला मेल फीमेल आप बाई करें। और रही बात मेल फीमेल के बारे में, लोड, अगर लोड इसके ऊपर कितना डालना चाहिए, लोड इसकी जो कंपनी ने हिदायत लिखी हुई है कि इसके ऊपर कम से कम आप 10 एम्पीयर का जो है लोड डाल सकते हैं। यह है मेरे पास इलेक्ट्रोटेक का मेल फीमेल जो कि मैंने लगाया हुआ है, और अक्सर मैं जो कस्टमर डिमांड करता है अच्छे मेल फीमेल की, तो मैं ये वाला प्रोवाइड करता हूँ। ये इलेक्ट्रोटेक का मेल फीमेल है, 2 पिन मेल फीमेल 10 एम्पेयर 250 वोल्टेज, और ये मार्केट में आपको 120 रुपीज़ का आराम से मार्केट से अवेलेबल हो जाता है। ये ईटी की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट हैं इनकी, तमाम की तमाम चीज़ें। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इसके ऊपर आपने 10 एम्पेयर का लोड नहीं डालना। इंडक्टिव लोड जो है, अगर ये मेल फीमेल बहुत अंदर से टाइट जाता है, ये देखें इसकी पिने अगर बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हैं और ये जो शू है इसके अंदर बिल्कुल फिट होके जाता है, तो आप इसके ऊपर 10 एम्पीयर का लोड डालें, कोई मसला नहीं है। अगर आपको जैसी लगे ये अगर लूज है तो इसकी पिने टाइट करें, और पिने टाइट कैसे होंगी, ये देखें ये अंदर इसकी पिने लगी हुई हैं, ठीक है, ये लूज ना हो बिल्कुल भी, और इसके जो कनेक्शन है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से होने चाहिए। और जो आम आपको मेल फीमेल मिलेगा मार्केट के अंदर से, उसके ऊपर ये वाला कनेक्टर नहीं लगा होगा जो केबल को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कोशिश क्या करें, मार्केट में जाके ज़रूरी नहीं अपने इलेक्ट्रोटेक का ही लेना, ईटी का ही लेना, कोई भी और आप मांग सकते हैं अच्छा सा जिसके ऊपर कनेक्टर लगा हो केबल को होल्ड करने के लिए, इस तरह का आप मेल फीमेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके ऊपर 10 एम्पेयर या 10 एम्पेयर से कम लोड इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। ज़्यादातर इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वायर एक्सटेंशन के लिए, जब मैंने वायर एक्सटेंशन बनाई है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्जर को लगाने के लिए या वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, ड्रायर मशीन चलाने के लिए, इस्त्री को चलाने के लिए, लैपटॉप वगैरह को चलाने के लिए ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग इसके साथ ज़्यादती भी करते हैं, ज़्यादती का मतलब ये है कि इसके ऊपर हैवी लोड चलाते फिर बाद में कहते हैं यार ये तो जल गया है, देखो भाई ये 10 एम्पीयर तक बना है, तो बड़ा मेहरबानी इसके ऊपर 10 एम्पीयर तक ही लोड डालें ताकि ये बर्न ना हो। और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, नियर बाई कोई भी आपकी इलेक्ट्रिक स्टोर है वहाँ से आप बाई कर सकते हैं ईटी के नाम से, या ईटी का नहीं ले सकते कोई और ले लें अच्छा जिसके ऊपर ये कनेक्टर लगा हो। तो ये था मेल फीमेल, और लगाना कैसे आप देख रहे हैं, ये जो इसकी यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है ये देखें, इसकी साइडों में आपने वक्फा देना है क्योंकि ये वाली चीज़ इसके अंदर फिट होनी होती है। ये देखेंगे ये शू के लिए, ये वाले जो पिन है इसके अंदर फिट होनी होती है, और ये फीमेल का है, ये देखें जी इसने भी इसके अंदर यहाँ पर लगना होता है, तो इसलिए इसके अंदर ये इस तरह का गैप रखा करें और बहुत ही टाइट करके आपने इसको लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, ये थी मेल फीमेल के बारे में इन्फॉर्मेशन, सोचा कि आप दोस्तों को भी इसके बारे में बता दिया जाए इसको कैसे लगाना है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटे को भी दबा लें ताकि आपको एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।